हाँ ये कह सकते हैं कि अब जो वेब मीडिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाला दौर इसी का। देश के इतिहास में पहली बार वेव मीडिया समिट का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में वेव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित किया गया। पटना के प्रतिष्ठित पनाश बैंक्वेट सुगमा मोड में शनिवार को देश भर के महारथी पत्रकारों का महाजुटान कार्यक्रम सुर्खियों में बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा के हाथों सम्पन्न हुआ। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम सत्र का उद्घाटन बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने किया। दीप प्रज्वलन के दौरान मंत्री संजय झा के अलावा WJAI के संरक्षक व ब्रॉडकास्टिंग एडिटर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव वन के सिंह, IIMC के पूर्व DG संजय द्विवेदी, न्यूज 18 के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर ब्रिजेश कुमार सिंह, TV9 के संपादक पंकज सिंह, ABP न्यूज के असाइनमेंट हेड राजीव कमल और पंजाब केसरी बिहार झारखंड के संपादक प्रवीण झा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम के प्रथम सत्र की शुरुआत के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कौशल ने किया। इस मौके पर WJAI के अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा कि बिहार शुरू से ही क्रांति की धरती रही है और अब वेब पत्रकारिता को एक नया मुकाम तक पहुंचाने में भी बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वेब पत्रकारिता ने अपने संघर्षों के दम को आज बेहतर बनाया है और आने वाला कल स्वर्णिम इतिहास रचने वाला है। माननीय मंत्री जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क श्री संजय कुमार झा जी का, जिन्होंने बहुत ही कीमती वक्त निकालकर अपने व्यस्त समय से कुछ पल हम लोगों के साथ साझा किया है। कार्यक्रम की औपचारिकता है, स्वागत करने का हमारा दायित्व है आप तमाम अतिथियों का। सबसे पहले हम माननीय मंत्री संजय झा जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसके बाद हमारे जो आगत अतिथि हैं श्री NK सिंह सर, हमारे अभिभावक रहे हैं कई सालों तक, हम लोगों के अभिभावक के तौर पर उन्होंने हम लोगों के साथ समय व्यतीत किया है। सर के साथ जो अनुभव है उसे इस समय मंच पर कहना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं WJAI के मुख्य संरक्षक के तौर पर। सर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रह चुके हैं, ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव रह चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि सर का दायित्व, सर की जिम्मेदारी कितनी बड़ी रही होगी। हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं श्री संजय द्विवेदी जी, जो IIMC के पूर्व महानिदेशक हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, हम उनका सादर अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री ब्रजेश कुमार सिंह, ग्रुप एडिटर न्यूज नेटवर्क 18। हमारे साथ ब्रजेश जी का बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्हें हम लोगों ने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और उनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में हमें मिला, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत आभार। आप जैसे लोगों के चलते ही हम लोगों को एक बल मिलता है, छोटे भाइयों को बल मिलता है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों का ऐसा ही प्यार और सानिध्य हम लोगों को मिलता रहेगा। हम सम्मान करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हमारे साथ पंकज सिंह जी हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर TV9 नेटवर्क के, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। कार्यक्रम चूंकि एक घंटे देरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन समझ सकते हैं कि औपचारिकता है, ये कार्यक्रम दिन भर सत्र चलेगा, लोग आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। हम अभिनंदन करते हैं अपने साथ बैठे हुए प्रवीण झा जी का, बिहार झारखंड के हमारे एडिटर हैं पंजाब केसरी से, हम सादर अभिनंदन करते हैं। हमारे बगल में मंचासीन हैं श्री आलोक मिश्र जी, संपादक दैनिक जागरण का, हम सादर अभिनंदन करते हैं संजय त्रिपाठी जी, संपादक राष्ट्रीय सहारा का,
हम सादर अभिनंदन करते हैं संजय सिंह जी का, वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे साथ मंचासीन हैं, और हमारे मित्र हमारे संघर्षों के साथी श्री राजीव कमल जी का, जिनके साथ हम लोगों का 23 वर्षों का एक जो साथ है अभी तक बरकरार है, और उम्मीद करते हैं कि आगे और हम लोग ये साथ यूँ ही बना रहेगा। राजीव कमल जी अभी एबीपी के जो समाचार संकलन है उसके संपादक हैं। तो हम तमाम साथियों का, इस मंच पर उपस्थित तमाम साथियों का, और लगातार हमारे लोग साथी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, हम एक एक करके उन लोगों को मंच पर बुलाते जाएंगे। झासर के पास समय का अभाव है, हम चाहते हैं कि सीधे झासर को हम आप लोगों के बीच उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करें, और फिर हम लोग ये कार्यक्रम, ये सिलसिला चलता रहेगा। धन्यवाद माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा। वहीं बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने वेब मीडिया समिट 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इंटरनेट क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव आज यहीं देखने को मिल रहा है, और शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में आज ग्रामीण लोग वेब मीडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर है। डेट नहीं या मोबाइल पे खबर नहीं पड़ता, और जैसे मैंने कहा कि हम लोग अखबार पढ़ के ही खबर न्यूज अपडेट रखते थे, एक बड़ा चैलेंज जरूर आ गया है। और अब सारे साथी बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर पत्रकार लोग बैठे हैं, वो लोग ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं। कभी भी अखबार में टीवी में कोई न्यूज चलता था तो लोग वेरीफाई करते थे, कोई खबर को दूसरे पक्ष का भी व्यू लेते थे, ये बात है आपके खिलाफ, आपका क्या ओपिनियन है इस पर। अब चीजें, अब खबर को लोग बोलते हैं वायरल हो गया, वायरल क्या हुआ, कौवा कान लेके उड़ गया। कितनी सच्चाई उसमें है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है जो खबर पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खास करके डिजिटल मीडिया के युग में जितने पत्रकार साथी हैं उनके लिए भी, ये जो चलाते हैं, एक इंडिविजुअल अपने आप में पूरा खबर, एक आप मोबाइल लिए, कैमरा लिए, और कहीं हम ही लोग कहीं जाते हैं फील्ड में, आप प्रिपेयर भी नहीं है, वो सीधा आपके सामने लगा देगा आपका, हमको पता ही नहीं कौन है, पत्रकार भी है नहीं है। ये जो एक बड़ा चैलेंज हो गया है, या कभी कभी इंटरनेट बंद करना पड़ जाता है कुछ एरिया में, क्योंकि कुछ चीज़ें जो वायरल होने लगती हैं, मुझे लगता है कि ये एक बड़े चैलेंज को जो एसोसिएशन है वो कैसे एड्रेस करेगा। ये सेल्फ रेगुलेटरी, सरकार का बहुत रोल नहीं हो सकता है इसमें, सरकार सजेस्टिव कुछ बात कर सकता है, लेकिन कैसे इस चीज को, ये ठीक है इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा टूल हो गया, लेकिन इस चीज को कैसे खबर लार्जली करेक्ट जाए, हम सारी बात नहीं करते, या कोई ऐसी बात नहीं चला जाए जिससे कि समाज में उसका तनाव हो जाए, समाज में कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए, उसमें कैसे सेल्फ रेगुलेशन होगा, ये जरूर मुझे लगता है जो आप लोग आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसको लेकर के, जरूर कुछ ना कुछ इस पर जरूर एक विचार इस पर करना चाहिए कि आगे के लिए क्या रास्ता है। और जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, अभी मैं इनके सिंह से चर्चा कर रहा था, मैं कुछ अपने सरकार की या मुख्यमंत्री की तारीफ की बात नहीं करूँगा, लेकिन लार्जली जो 17-18 साल में अभी जल जीवन हरियाली की बात कर रहे थे, अब कल ही हमने देखा, अब सारे जगह रिपोर्ट है कि 2025 तक इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है वो कितना नीचे चला जाएगा। अब कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने जज किया, मुझे लगता है देश में शायद पहली बार, और जज ही नहीं किया, जल जीवन हरियाली पर उन्होंने, आप बहुत सारे साथी गवाह होंगे, दोनों हाउस का मीटिंग, विधानसभा का और विधान परिषद का, और एक रोड मैप तैयार किया कि कैसे आगे हम लोग, ये जो एक बड़ा चैलेंज आ रहा है पर्यावरण को लेकर के, उसको लेकर के इतना बड़ा ह्यूमन चेन लगवाया गांधी नगर सरकार ने लगवाया, और पूरा एक कैंपेन बिल्ड किया, और सरकार का लगभग 25,000 करोड़ का बजट करके जो पुराना आहार पैन तालाब कुआं सबको रिस्टोर किया जाए, उसी में जिस विभाग को मैं देखता हूँ उस विभाग के द्वारा हम लोग गंगा जल फ्लड टाइम में जो 4 महीना गंगा का पानी अदरवाइज फ्लड में समस्या होती, उस पानी को लिफ्ट करके
आज हम गया बिहार शरीफ और बोध गया में उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके पहुंचा दिया। जहां टैंकर से पानी जाता था वहां गंगाजल का पीने का पानी और ऑन टाइम, ये नहीं कि 10 साल 15 साल में, 2 साल में ये काम पूरा करके, मैं जल जीवन हरियाली की बात कर रहा हूं, उसी का एक कंपोनेंट है कि अवशेष जल को जो स्कार्स एरिया है जहां पानी की कमी है वो हमने एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी, और लास्ट इस मंथ के, इस साल के अंत तक नवादा भी पहुंच गया है। तो मैं और ज़्यादा बात नहीं करते हुए, मुझे लगा कि आज दो बात मैं जरूर, आपका डिमांड आया है जरूर, मैं इस पे आता हूँ दो मिनट में। लेकिन वेब मीडिया समिट 2023 के इस खास मौके पर पंजाब केसरी बिहार झारखंड के संपादक प्रवीण झा ने भाषा की समृद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीआरपी के खेल ने मीडिया के चरित्र को खत्म कर दिया है। आज मीडिया में गिरावट बहुत ही दयनीय स्थिति में है। खबर की सत्यता की जांच पहले कीजिए और उसके बाद ही खबर प्रकाशित करें। लेकिन हम यहाँ ये कहने के लिए आए हैं कि हमको अगर भविष्य को समृद्ध करना है तो अपने वर्तमान को संरक्षित करना होगा। सबसे पहले अगर हम वर्तमान को ही नहीं बचाएंगे तो हमारा भविष्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो काल चल रहा है ये मीडिया का एक प्रकार से ह्रास काल है, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया में भाषाई स्तर में गिरावट आई है वो आज से पहले कभी भी इस प्रकार से नहीं देखा जाता। तो मुझे एक बार, मैं दिन भर रहा था कहीं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था जब उनके पास किसी ने लेख लिख करके भेजा कि काबुल में भी गधे मिलते हैं, तो उन्होंने उसमें सुधार किया। क्योंकि उनको वो सरस्वती पत्रिका में उनको छापते थे इसलिए उन्होंने उसमें सुधार किया कि काबुल में भी सिर्फ घोड़े नहीं मिलते। यानी कि देखिए भाषाओं की जो मर्यादा है ना उसको जब तक हम लोग नहीं बचाएंगे तब तक हम लोग इसको समृद्ध नहीं कर पाएंगे। और जो ये वेब मीडिया है ये इस प्रकार से इसमें ह्रास हो रहा है क्योंकि एनके सिंह सर ने कहा कि जिस प्रकार से आजकल लोग व्यूज लेने के लिए आमलेट वाली बात है या फिर ननक और देवर वाले या देवर और भजाई वाली बात है तो उसमें देखिए क्या है कि सिर्फ हमको व्यूज लाना है। और जब तक हम व्यूज लाने के लिए चलेंगे, जिस प्रकार से हम लोग टीआरपी के दौर में चल रहे हैं, अगर हम टीआरपी के दौर से बाहर नहीं आएंगे तो तब तक इसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर हम लोगों को किसी भी चीज पर लगाम लगाने की जरूरत है तो वो है टीआरपी, क्योंकि टीआरपी के इस खेल ने पूरे मीडिया के चरित्र को खत्म कर दिया है। प्रकार से मीडिया आज वो मीडिया नहीं रही जिस मीडिया के जरिए हमारा संस्कार संवर्धित होता था, हमारे राजनीति के लोग संवर्धित होते थे। लेकिन आज मीडिया में गिरावट जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है आजकल। इसलिए हम अपने जितने भी हमारे वेब मीडिया के साथी हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम आप जो खबर परोस रहे हैं उसकी सत्यता की जांच सबसे पहले कीजिए। क्योंकि अभी ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि वेब मीडिया जो है वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं इसमें पूरी तरह से इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आजकल किसी के पास भी समय नहीं है कि वो जाकर के टीवी सेट पर बैठे हुआ टीवी देखे या अखबार बहुत देर तक पढ़े। वो आजकल लोग अखबार भी मोबाइल में पढ़ने लगे हैं, तो मीडिया बिल्कुल रूप से वेब की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से व्यूज लाने के लिए कि जो सबसे पहले अपलोड कर देगा उसका व्यूज सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसी चक्कर में हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि बिना जांचे करके उस खबर को सबसे पहले दिखाते हैं। इसलिए उसकी सत्यता को जब तक हम लोग जांच ना लें न्यूज की सत्यता को तब तक हम लोग इसको ना प्रकाशित करें, ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है। अगर हम लोग इस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से मीडिया की जो अभी स्थिति है उसमें जरूर सुधार होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मीडिया को बचाना है और मीडिया को खास करके जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रेशर से बचाना है तो उसमें ये वेब मीडिया को आगे बढ़ाना होगा। वेब मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए ये WJI जैसी संस्थाएं जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 40 वर्षों से मुझे पता चला कि ये संस्था जो है ना सिर्फ
इस दिशा में काम कर रही है कि वेब मीडिया कैसे आगे बढ़े, बल्कि वेब मीडिया के भविष्य के बारे में भी विचार कर रही है। तो ये कम से कम इस संस्था के इस प्रयास के लिए मैं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल जी का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ अपने तरफ से, क्योंकि मैं भी वेब मीडिया से हूँ, तो इसलिए वेब मीडिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर जरूर खास करके जिस संस्था के संरक्षक एन के सिंह सर हों तो उसमें और भी बहुत कुछ कहने की मुझे कोई आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि सब सब कुछ समझते ही हैं कि किस प्रकार से इसको बचाया जा सकता है। एक दो बातें और महत्वपूर्ण हैं। मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि टीआरपी वो क्या रहा है कि व्यूज का जो ये खेल चल रहा है, क्योंकि ये टीआरपी का आया कहाँ से आया, कि टीवी को कितने लोग देखते हैं उसके लिए उनका रेवेन्यू मॉडल तैयार होता है, कि अगर वो टीआरपी में ऊपर रहेंगे तो रेवेन्यू दाता जो है वो रेवेन्यू उनको ज्यादा देंगे, यही टीआरपी का खेल है। और इस टीआरपी के खेल में भी बहुत बड़ा खतरा है, जिनको सबसे कम लोग देखते हैं उनका टीआरपी सबसे ज्यादा रहता है, और जिनको ज्यादा लोग देखते हैं उनका टीआरपी कम होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खबरों की विश्वसनीयता पर जाते हैं, और आजकल वायरल वही खबर होती है जिसकी विश्वसनीयता सबसे कम होती है। इसलिए अगर हम विश्वसनीय खबर को देखेंगे तो उसका व्यूज भी कम ही होगा, और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे पास व्यूज के मामले में हम लोग बिल्कुल कम होते हैं, बहुत सारे लोकल प्लेटफॉर्म हैं या बहुत सारे जो खुद से चलाते हैं सिंगल मैन, उनका व्यूज काफी ज्यादा होता है। मैं इसमें नहीं चाहता कि उनका व्यूज क्यों ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो लोग जिस प्रकार से खबरों को परोसते हैं वो तरीका सही नहीं है। आज आपको व्यूज तो मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और फिर आपको वो जो व्यूज आ रहा है वो नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखेंगे। आज इसकी लड़ाई हम वो नहीं, इस बात को बता दें कि वेब मीडिया समिट 2023 के सांस्कृतिक कार्यक्रम की खास प्रस्तुति शाम में गजल के मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध गायक दरभंगा घराना के मिथिला रत्न अभिषेक मिश्रा के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के समापन से पहले लिट्टी चोखा भोज का सभी अतिथियों ने भरपूर लुत्फ उठाया। खास बात ये रही कि वेब मीडिया समिट 2023 में केरल से लेकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, NCR, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के सैकड़ों पत्रकारों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शिरकत किया, तो वहीं वेब मीडिया से जुड़े अनेक संस्थानों और पत्रकारों के सोशल साइट्स के माध्यम से लाइव के दौरान लाखों की संख्या में लोग जुड़े रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत सारे हमारे प्रिय भाई श्री आनंद कौशल भाई, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे भूज राजस्व मंत्री हमारे बिहार के श्री आलोक मेहता जी हमारे बीच है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, साथ ही मीडिया जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।